और उमर शादी चौधरी उमर की आखिरी गेंदी। तो नए जो बल्लेबाज आए हैं मैं उसका नाम जानना चाहूंगा, मनोज जी हाँ। तो मैं बता दूं लगातार 3 अर्धशतक कप्तान चले सीना का। मैं तो पहले ही कहा था भैया ये पछड़ा के लाल है ये कप्तान भी ज्यादा। लगातार 3 अर्धशतक कोई साधारण बात नहीं है और उन्होंने दिखाया आज अपना क्लास। और सामने फिर से मतलब के कप्तान पिंटू दल बल के साथ पधारे हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो एक बार फिर से तैयार लेकिन बॉडी एक छोर संभाले रखा कप्तान है कचीरा के। और 10 ओवर की समाप्ति के बाद उन्होंने 58 रन बनाए हैं 3 बल्लेबाज के आउट होने के बाद। और मैंने अपने कोटे का जो 4 ओवर हमारे कमेटी के जो मेंबर भाई है पानी की व्यवस्था कर दे, यहाँ पानी की जरूरत है पानी की व्यवस्था कर दे। और इस बीच इस मैच को देखने के लिए अमराची पंचायत के पूर्व मुखिया रमेश राय उर्फ रविंद्र राय भी आए हुए हैं, उसका भी हम पूरी कमेटी की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं बता दूं कि आप सभी क्रिकेट प्रेमी हैं युवा मंडल के लाइफ्रेंड हार्दिक अभिनंदन करते हैं पूरी युवा मंच यंग स्टार कमेटी की ओर से। इसके जो मुख्य प्रायोजक हैं वो हैं जैसे कि प्रत्येक मैच का जो मैन ऑफ द मैच वो उपेंद्र कुमार मंडल। ए सुमित खाना परवारी के लिए एक बार किसी का था संबोधित। और इसी बीच इस मैच को देखने के लिए थाना प्रभारी जो सिटी के वो भी आए हैं, उसका भी हम पूरी कमेटी की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस मधुरानी स्टेडियम पर आए और इस स्टेडियम और हमारी ग्रामवासी का सौभाग्य बनाए, आपका धन्यवाद। तो कमेटी के वरिष्ठ सदस्यगण आप सभी तैयार रहे तो लेकिन कोई खतरा नहीं। खतरा हो सकता तो राम विष्णु के उधर, लेकिन उन्होंने अपना खाता खोला वो पहुंचे एक पर टीम को पहुंचा दिया 39 रनों पर मात्र 39 क्योंकि ये पछिना है भैया 138 रन बनाए थे। क्या कहेंगे सुनील सर आपको भी याद है गोलू और बाहुबली के नाम से प्रख्यात अमरेंद्र आज निराश किया खासा दर्शकों को हल्के की तरफ से। सामने बॉबी बैठा और कट करके खेलने की कोशिश लेकिन बैट और बॉल में लगा नहीं जब तक फील्ड होता तब तक जो है जोड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हम ये भूल गए शायद जोड़ा पढ़ा होता तो चौका लगता लेकिन ये तरह मिला मार। और पचीरा 28 में जबकि उनके 2 विकेट आउट हो चुके हैं 6 ओवर समाप्त। आखिर तक आप लोग देख रहे हैं कि पावर प्ले समाप्त हो गया। आप सभी दर्शकों को मैं राजकुमार सुनील सर सुमित राज दिवाकर रॉय
संतोष भैया जो मंच संचालक में तो ये दो विकेट तो पचीरा उनके बहुमूल्य दो विकेट गिर चुके हैं। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर जबकि 26 रन मात्र बने हैं हल्के हल्के कदमों से और ऑफ साइड में कट करके खेल दिए हैं लेकिन टूटू मैमे की कोशिश रन आउट होने की खतरा था यहाँ और फिर बल्लेबाज लेने के लिए दौड़ पड़े हैं। पहले तू कर करके रन भी नहीं बना और रन आउट होने की खतरा भी था यहाँ दोनों ही। और आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि यही वो जोड़ी है जो सेमी फाइनल में धुआंधार प्रदर्शन करके अपने टीम को फाइनल में पहुंचाया था। पचीरा बॉबी और एक तरफ 7 नंबर के दोनों ओर से लगाए थे हमारे सहयोगी कमेंटेटर सुनील कुमार जी बता रहे हैं और बजरंग जो है वाइट विकेट के लिए पहला एक्स्ट्रा रन दिए हैं तो जोरदार तालियों से स्वागत करें उनके बॉलरों के लिए। सभी दर्शकों से विकेट निकालेंगे हल्के हल्के कदमों से वैभव सामने तैयार बैट्समैन कट करके खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रन लेने की कोई संभावना नहीं। एम्पायर पे कोई असर नहीं जोरदार अपील हुआ था लेकिन मुरली माही और सीताराम चौधरी के द्वारा बहुत ही शानदार एम्पायरिंग का नमूना और मजरक के तरफ से ये वाइट के तौर पर तो इस तरह से वाइट सीताराम चौधरी मुरली माही जाने माने एम्पायर इस पूर्वांचल क्षेत्र का बहुत ही शानदार प्रस्तुति दोनों ही टीमों के बीच आज का फाइनल मैच मुकाबला पचीरा वर्सेस मजरक के बीच इस बीच राहुल की गेंद अच्छी गेंद और हल्के हाथों से खेलकर रन चुराना चाह रहे थे। बल्लेबाज का नाम बताएंगे शुभम आए हैं जो पिछली मैच में यानी सेमी फाइनल मैच में अर्धशतकीय पारी खेली थी और काफी तेज तर्रार पारी खेली थी और आज अब जाकर के मैदान पर राहुल चले सामने शुभम गेंद को हल्के हाथों से लगने भर दिया बल्ले से कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं तो अब जाकर के राहुल के सामने शुभम मैं बता दूं कि शुभम सेमीफाइनल मैच में अर्धशतकीय पारी खेली थी और आज उनको उनके टीम को उनकी जरूरत खेलने का प्रयास लेकिन बल्ले पर गेंद आई नहीं बाकी का काम पूरा किया विकेटकीपर सरताप। तो मैं बता दूं कि जिन श्रोताओं ने अपने रेडियो सेट या ट्रांजिस्टर सेट फेर से खोले होंगे उनके कानों तक मैं आवाज पहुंचा दूं कि आज का यहां मधुरानी स्टेडियम मंडल द्वारा में फाइनल मैच का दर्ज जारी है। इस बीच राहुल चले सामने बल्लेबाज को बैक टू द बॉलर हल्के हाथों से खेला कोई रन नहीं। तो मैं फिर से बता दूं कि पांचवें ओवर की प्रगति पर टॉस जीतकर पचीरा चार गेंद सोनू स्माइल बॉबी ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हालांकि पहली ही ओवर में पहले विकेट का पतन हो गया राहुल को सफलता मिली थी और उनके बाद ये दोनों बल्लेबाज अब इस बार राहुल के सामने पांचवी ओवर की पहली गेंद खेलने के लिए राहुल की गेंद सीधा गली के ऊपर से और यहां पर कैच सीधे थमा दिए गए खिलाड़ी थे वहां मौजूद और ज्यादा समाप्त किया। तो राजू जी जहां भी हैं आप दूर जाएंगे तो मैं बता दूं कि दूसरी सफलता दिलाई यहां पर राहुल मजरक को तो आज फाइनल मैच मजरक